हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रिनोलाइफ ड्रॉप्स के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। रिनोलाइफ ड्रॉप्स का मेनली यूज सर्दी की समस्या दूर करने में किया जाता है। यह एक पीडियाट्रिक ड्रॉप है। आइए इस ड्रॉप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये ड्रॉप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस ड्रॉप से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट बायोटेक लिमिटेड का ये 15 ml का ड्रॉप पैक आपको मेडिकल स्टोर पर 72 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट के बारे में। रिनोलाइफ ड्रॉप्स में फेनिलिफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, IP 5 mg, क्लोफेनामाइन मेल्टेड, IP 2 mg, यह कंटेंट इस ड्रॉप के ईच ml में समाविष्ट है। इसमें मौजूद फेनिलिफ्रिन यह एक नेजल डिकंजेस्टेंट है जो छोटी ब्लड वेसल को संकुचित करता है और बंद नाक और नाक के जाम होने की स्थिति में राहत देता है। इसमें मौजूद क्लोफेनामाइन यह एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो एलर्जी के लक्षणों को कम करता है और उनमें राहत भी देता है। बात करते हैं इस ड्रॉप के यूजर्स के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप का यूज़ डॉक्टर एलर्जी की समस्या, बहती नाक की समस्या, नाक बंद होने की समस्या, छींक आने की समस्या, आंखों से पानी आने की समस्या या फिर सर्दी या जुकाम की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इस ड्रॉप के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मेसी से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस ड्रॉप का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप के डोसेस के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस ड्रॉप का डोस आपके बच्चे के वजन और उम्र पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इस ड्रॉप का डोस अपने डॉक्टर से निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। 1 साल से लेकर 4 साल के बच्चों को 11 से लेकर 12 बूंद दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट इस ड्रॉप के इस्तेमाल से होना दुष्परिणाम। यदि आपको इस ड्रॉप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट महसूस होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस ड्रॉप के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, सिर दर्द, पेट दर्द, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस ड्रॉप को यूज़ करते समय सावधानियाँ। अगर आपके बच्चों को इस ड्रॉप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट आए या फिर उसमें मौजूद कंटेंट से उन्हें कोई एलर्जी है तो इस ड्रॉप का यूज़ न करें। अगर आप अपने बच्चों को पहले से कोई अन्य मेडिसिन या ड्रॉप दे रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस ड्रॉप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपके बच्चे को कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस ड्रॉप को अपने मन से अपने बच्चों को कब तक न दे, जब तक आपके डॉक्टर ने कहा है तब तक इस ड्रॉप को दे। इस ड्रॉप को देने से पहले इसे अच्छी तरह से चेक करें और बाद में ही अपने बच्चों को दे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।